इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है हैंडी गेम्स अलोंग विद अपराइजिंग स्टूडियोज। आपको दुनिया जहान में हर कैटेगरीज के गेम मिलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदे गेम्स ऐसे भी होंगे जो कि खुद ट्रिपल ए टाइटल नहीं है। ना ही इन गेम्स के पीछे कोई बिग बजट प्रोडक्शन है, बल्कि इंडी गेम्स द्वारा निर्मित ये टाइटल्स बहुत सारा मेमोरीज छोड़ जाती है प्लेयर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसा ही एक गेम टाइटल 3D प्लेटफॉर्मर इंडी गेम स्कर्फ की। हाँ, ये वही स्कर्फ है जो सर्दियों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट वेट, देयर इज समथिंग मोर इनटू इट। अपराइजिंग स्टूडियोज द्वारा निर्मित और हैंडी गेम से पब्लिश्ड स्कर्फ गेम की इस कहानी में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग प्लॉट्स और कैरेक्टर्स मिलेंगे। और मेनली ये गेम का मैकेनिक्स एक लीनियर अप्रोच प्रदान करती है प्लेयर्स को। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हैंडी गेम्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है THQ नॉर्डिक। सलामांका स्पेन में बेस्ड ये अपराइज स्टूडियोज की डेब्यू गेम है ये स्कर्फ। 2017 में शुरू हुई इस छोटी सी कंपनी में कुल मिला के 10 लोगों का टीम काम करता है। उनमें से 7 जन की टीम बैठ के इस पर्टिकुलर गेम को बनाया है। हालांकि इस छोटी सी गेम को बनने में 4 साल लग गए और 23 दिसंबर 2021 को इस गेम को मुक्ति मिली। अपराइज स्टूडियोज के आर्ट डायरेक्टर डेविड एक दिन बैठ के स्केचेस बना रहे थे और उस स्केचेस को देख के टीम मेंबर्स को लगा कि ये स्केच से हम लोग एक गेम बना सकते हैं। और ऐसे ही शुरुआत हुई स्कर्फ की डेवलप। एज अ गेम टाइटल स्कर्फ में आपको इस मशरूम जैसा क्यूट सा कैरेक्टर को लेके खेलना पड़ेगा। दिस इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस गेम और उसके गले में ये जो दुपट्टा आप दिख रहे हो लाल कलर का, यही है स्कर्फ। वेट, हालांकि ये सिर्फ एक स्कर्फ नहीं है बल्कि एक ड्रैगन है। इस ड्रैगन की माँ की अकाल मृत्यु के बाद ये ड्रैगन बेबी अकेला हो गया और उसे सहारा देने के लिए धरती में आ गया हमारा ये प्रोटैगनिस्ट। और एज अ प्रोटैगनिस्ट आपको इस बेबी को उसकी माँ से मिलाने का जिम्मा उठानी पड़ेगी और ऐसे ही आपकी जर्नी की शुरुआत होगी इस गेम में। वैसे इस पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट की कोई नाम नहीं है, लेकिन पूरी गेम में यही कैरेक्टर की इमोशनल और इंटरेस्टिंग जर्नी को डिपिक्ट की गई है। काफी सारे मैजिकल एलिमेंट्स भी आप एक्सपीरियंस करोगे बिकॉज आपके पास स्कर्फ है। इस गेम में आपको 3 मल्टीपल वर्ल्ड में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे कुछ न्यू एबिलिटीज भी आप हासिल करते चलोगे एज यू प्रोग्रेस इन द गेम। मोस्टली ये वर्ल्ड आपको ओपन एंडेड सा फील होगा, बट एक्चुअली में बहुत ही लीनियर अप्रोच ली गई है डेवलपर्स के द्वारा। और इस गेम को खेलते हुए बीच में कुछ कट सीन्स के माध्यम से आपको स्टोरी नरेट किया जाएगा एंड इट्स किंड इंटरेस्टिंग। आप कौन हो, ये दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, ऐसे तमाम सारे जानकारी बाकायदा आपको एक वॉइस ओवर के जरिए मिलता रहेगा। इसके ऊपर साउंड सेक्शन में बात करेंगे। अब ये आदत में एक प्लेटफॉर्मर टाइप का गेम है। प्लेटफॉर्मर गेम क्या होता है? इट्स अ स्टाइल ऑफ वीडियो गेम वेयर द प्लेयर मेक्स अ कैरेक्टर मूव थ्रू एन एनवायरमेंट विद अ सीरीज ऑफ एक्शन बेस्ड मूव्स लाइक रनिंग, जंपिंग और स्विंगिंग फ्रॉम द रोप्स। एक बेसिक प्लेटफॉर्मर गेम होते हुए भी इस गेम में कोई कॉम्बैट वगैरह वैसे नहीं है, बल्कि इस फिक्शनल मैजिकल सराउंडिंग्स में आपको पजल खूब सारी सॉल्व करनी पड़ेगी, जैसे कि श्राइन पजल्स, एनवायरमेंटल पजल्स एंड मैकेनिकल पजल्स। हालांकि वो आप आराम से कर लोगे। पजल्स की लेवल की अगर बात करें तो थोड़ा सा हार्ड करना चाहिए था डेवलपर्स को, क्योंकि पजल्स बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। हर नए वर्ल्ड पे घुसते ही आपको एनवायरमेंटल पजल सॉल्व करनी होगी। पजल्स तो बहुत तरीके के होते हैं यहाँ पे, तो लिवर्स पजल्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा थ्रू आउट द गेम। बेसिक कंट्रोल की अगर बात करें तो इस गेम में स्मूदर पार्कोर सिस्टम आपको जरूर से दी गई है। आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, ग्लाइड कर सकते हो, उड़ सकते हो। और हाँ, इस पर्टिकुलर गेम में कीबोर्ड माउस के साथ साथ आप चाहो तो कंट्रोलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोलर की फुल सपोर्ट है ये गेम में। बेसिकली ये गेम को आप एक वॉकिंग सिमुलेशन भी कह सकते हो, क्योंकि आपको चलते ही जाना है और इसके अलावा आपके पास और कुछ जरिया भी नहीं है, मतलब कोई ट्रैवर्सल के लिए जैसे कि फास्ट ट्रैवल होता है या तो फिर गाड़ियां होती है, तो ये पर्टिकुलर गेम में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। वैसे ये स्कर्फ है ना आपके गले में, ये आपको मदद करेगा ग्लाइड करने में, उड़ने में। वैसे नए नए एबिलिटीज को भी आप प्राप्त करते जाओगे एज यू प्रोग्रेस इन द गेम, और ये एबिलिटीज के चलते आपके पार्कौर मैकेनिक्स में एक बूस्ट सा आएगा। जैसे कि आप जब जंप करोगे तो और भी ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हो। वैसे दोस्तों, इस अमेजिंग वर्ल्ड पे आपको पानी तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस पानी में आप स्विम नहीं कर सकते। दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अगर ये भी कर सकते थे तो बढ़िया होता। वैसे कंट्री यार्ड और टेम्पल रिंस में आपको ज्यादातर चैलेंजेस मिलेंगे, वो वही चुपे होंगे। मुझे बढ़िया लगा ये एक्सप्लोरेशन पार्ट। इन गेम कलेक्टिबल्स को कलेक्ट करते हुए गेम में जब आप प्रोग्रेस करोगे तो ये प्रोग्रेशन मैकेनिज्म आपको भा जाएगी। स्पेशली इंक्स कलेक्ट आपको करना पड़ेगा और गेम का एंडिंग भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि स्पॉइलर फ्री वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस पर्टिकुलर गेम में मल्टीपल एंडिंग आपको दी गई है एंड बेस्ड ऑन योर प्ले स्टाइल वो आप अचीव कर लोगे। आप चाहो तो इस गेम को दोबारा भी खेल सकते हो, तो रिप्लेबिलिटी भी है इस पर्टिकुलर गेम की। कुछ ना कुछ चीजों के साथ आप इंटरेक्शन करते जाओगे थ्रू आउट योर जर्नी, तो ये
पर्टिकुलर चीज आपको शायद रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन मेरी मानो तो गेम का लेंथ जितना है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये चीज एटलीस्ट मुझे तो रिपीटेटिव नहीं लगा। शायद आपको लग सकता है, यू कैन हैव डिफरेंट थॉट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। वैसे इस कर्व की ये छोटी सी जर्नी में स्टोरी शायद आपको उतना इंगेजिंग ना लगे, लेकिन ये जो जंगल आपको मिलेगा, जो ग्रीन वैलीज आपको मिलेंगे, जो कैनियंस आपको मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे, ये सराउंडिंग्स के बीच आप जब गेम प्ले को एक्सपीरियंस करोगे तो एक बेहतरीन सा एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। अनरियल 4 इंजन में बनी इस गेम का ग्राफिक शानदार है दोस्तों। मतलब एज अ इंडी गेम इतना अच्छा ग्राफिक्स को अचीव करना बहुत ही काबिले तारीफ है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर मैं बात करूं तो क्रिस्प टोन आपको मिलेगा, लेकिन वाटरफॉल्स जो है, जो पानी है, वो थोड़ा सा कार्टूनिश फील करता है, लेकिन वो आपको वैसे कुछ बॉदर नहीं करेगी। लेकिन ऑल इन ऑल ये पानी के ऊपर इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। अभी देखिए, इस पर्टिकुलर गेम में ज्यादातर सेक्शन में आप आउटडोर सीक्वेंस में ही अपना गेम प्ले करोगे, तो ऐसे में जो सनलाइट है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाई गई है। इवन इनडोर हो या आउटडोर, कैरेक्टर के ऊपर जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट है उसकी कभी कमी नहीं खलेगी आपको। दूर से जो चीजें आपको साफ नहीं दिखती, वही पर्टिकुलर चीजों को सामने जाते ही आपको साफ दिखने लग जाएगा। बट आपके गले में ये जो लाल दुपट्टा है, मतलब कि स्कार्फ है, इसकी एक मैजिकल पावर है। इसको भी आप रूबरू करोगे एज यू प्रोग्रेस इन द गेम। वैसे ये स्कार्फ तो नहीं है, ड्रैगन बेबी है, तो आप धीरे धीरे गेम के साथ इसको समझने लगोगे। वैसे एनिमेशन की अगर बात करें तो ये स्कार्फ जब हिलता है हवा में तो उसके ऊपर बहुत ही शानदार एनिमेशन की गई है डेवलपर टीम के द्वारा। जैसे कि ड्यूरिंग पार्क और आप जब भी उछल कूद करते हो या तो फिर रिफ्लेक्सेस लेते हो, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि आपके साथ साथ स्कार्फ भी कैसे मूव कर रहा है, तो दिस इज क्वाइट ब्यूटीफुल। स्पेशली कुछ कुछ पजल्स को सॉल्व करने के दौरान जो कैमरा एंगल है उसको फिक्स कर लिया गया, उसको थोड़ा सा और अगर इंडिपेंडेंस मिलती तो बढ़िया होता। दोस्तों विजुअली तो ये गेम बहुत ही बढ़िया है, तो ये विजुअल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है इन गेम साउंड डिजाइनिंग। वैसे आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर गेम जो है ये बहुत ही सूदिंग और एक नेचुरल एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश की अपने गेम स्टोरी के माध्यम से। लेकिन जो विजुअल्स इन गेम दिखाई गई है उसके साथ ये साउंड डिजाइनिंग बहुत ही हद तक जचता है, थैंक्स टू सेले गुतियारेस। मुझे बढ़िया लगा कि जब एज ए कैरेक्टर छोटी छोटी चीजों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो उन चीजों का जो साउंड इफेक्ट है वो हर जगह डिफरेंट है। जैसे कि आप जिस सतह पे चलोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको साउंड सुनने के लिए मिलेगा। आप घास पे चल रहे हो, चाहे पत्थरों पे चल रहे हो, चाहे पानी के ऊपर छलांग लगाते हुए चल रहे हो, तो इन दौरान आपको जो साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। और ये छोटी सी इंडी गेम में इतने सारे कुछ चीजों को बैलेंस आउट करना बहुत ही काबिले तारीफ है। वॉइस एक्टिंग की ज्यादा स्कोप नहीं था इस पर्टिकुलर गेम में, सिवाय कुछ कट सीन्स में स्टोरी टेलिंग करने के अलावा। वैसे वॉइस एक्टिंग को लेकर थोड़ा और काम किया जा सकता था, वॉइस में थोड़ा सा और टोनालिटी लाया जा सकता था, थोड़ा सा और इमोशनल एंगल ऐड की जा सकती थी, लेकिन अमूमन तौर पे ऐसा नहीं हुआ। वैसे इस गेम को आप कोई भी प्ले स्टाइल में खेलो, आपको 3 से 5 ही घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा शायद आपको ना लगे। और प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और पीसी में आप फिलहाल इस पर्टिकुलर गेम को इंजॉय कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि डेवलपर्स उनके अगले गेम्स में कुछ तब्दीली लाए, जैसे कि पजल्स को थोड़ा सा और डायनामिक बनाओ ताकि गेमर्स को और भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े। आपके जो भी प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है उनका नाम देना बहुत जरूरी है यार, और स्विम करने का अगर उनको मौका मिले तो और बढ़िया रहेगा। वैसे स्कार्फ गेम में जो पार्कौर सिस्टम मुझे मिला उस पे भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता था, स्पेशली अगर मैं उन जोन की बात करूं जब मेरे पास स्कार्फ नहीं था, एज अ स्टैंड अलोन कैरेक्टर में चल रहा था, तब थोड़ा सा मुशक्कत का सामना करना पड़ा मुझे पार्कौर सिस्टम में। तो दोस्तों क्या आप भी इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहोगे? इस गेम का डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक से डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर गेम का लुत्फ आप उठा सकते हो। आई होप स्कार्फ के साथ आपका एक बहुत ही गहरा दोस्ती बन जाएगी और बहुत ही स्मूथ, सिंपलिस्टिक और पीसफुल जर्नी रहेगा यह आपके लिए इन अ वीडियो गेम बाय फार। वैसे इस वीडियो रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मेरा नाम था सिद्धार्थ, हैप्पी गेमिंग दोस्तों।